बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान के वकील और एनसीबी की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आर्यन खान के साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी ड्रग मामले में जमानत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आर्यन खान को 29 अक्टूबर के दिन रिहाई मिल सकती है। कोर्ट ने 28 अक्टूबर के दिन फैसला सुना दिया है, लेकिन जब तक ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं हो जाता तब तक आर्यन समेत तीनों आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। मुंबई क्रूज ड्रग मामले में आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आर्यन खान आज घर नहीं जा सकेंगे। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि वो आज नहीं छूटेंगे। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन को जमानत तो दे दी है, हालांकि आज वो घर नहीं जा सकेंगे क्योंकि डिटेल ऑर्डर कल आएंगे, तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। ऐसे में आर्यन कल या परसों जेल से वापस घर जा सकेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल मिल गई है। बेल मिलने के बाद अब सभी को आर्यन के घर आने का इंतजार है। बता दें कि शाहरुख खान के घर के मन्नत के बाहर फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई है। सभी आर्यन को देखने के लिए वहां पहुंच गए हैं। ऐसे में शाहरुख खान के घर के बाहर फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आर्यन खान से पहले पिता एक्टर शाहरुख खान को रडार पर ले चुके हैं एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार आज से 10 साल पहले साल 2011 में समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान पर कार्रवाई की थी। दरअसल शाहरुख खान अपने परिवार के साथ लंदन और हॉलैंड से वैकेशन मनाकर भारत लौटे थे। उन दिनों समीर वानखेड़े कस्टम डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर शाहरुख को रोक लिया था। शाहरुख को रोकने के पीछे समीर वानखेड़े के पास एक वजह थी। शाहरुख खान अपने साथ 20 बैग लिए हुए थे। रिपोर्टेडली समीर वानखेड़े ने कस्टम ड्यूटी ना भरने की वजह से शाहरुख खान पर करीब 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। आर्यन खान ड्रग केस पर एक बार फिर एक्टर ऋतिक रोशन ने दिया शॉकिंग रिएक्शन। आर्यन खान ड्रग केस में शाहरुख खान और उनकी फैमिली को कई नामी सेलेब्स और स्टार्स का समर्थन मिला है। वेल, ऋतिक रोशन ने तो आर्यन के समर्थन में अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। अब एक बार फिर से ऋतिक रोशन ने आर्यन खान मामले पर अपनी राय दी है। ऋतिक रोशन ने आर्यन खान को बेल मिलने में हो रही देरी पर अपना रिएक्शन दिया है। ऋतिक ने पूरे घटनाक्रम को बेहद ही दुखद बताया है। ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पूरे मामले पर रिएक्शन दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने छोटे बेटे तैमूर के बाद अब जे की वजह से भी सुर्खियों में छाई हुई रहती है। अभी रिसेंटली करीना ने अपने इंस्टाग्राम पर क्यूट जहांगीर अली खान की नई फोटो शेयर की। उनकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए करीना ने ये भी दिखाया कि जे उनकी तरह ही योग करने की कोशिश कर रहा है। ये इंस्टाग्राम पोस्ट इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी की खबरें जोरों पर है। कल तक उनके वेडिंग आउटफिट के चर्चे हो रहे थे और अब उनके वेडिंग वेन्यू डेट को लेकर इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में दोनों शादी करने जा रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये शादी चोरी छिपे या खास लोगों की मौजूदगी में नहीं बल्कि ये बॉलीवुड की रॉयल वेडिंग होगी, जिसके लिए राजस्थान का 700 साल का पुराना किला बुक किया गया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। बॉलीवुड स्टार कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। ये खबर आ रही है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इस साल दिसंबर में शादी कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में जब रणबीर कपूर के चाचा रणधीर कपूर से पूछा गया तो उनका रिएक्शन देखकर हर कोई हैरान हो गया। दरअसल आलिया और रणबीर की शादी पर रणधीर ने कहा कि उन्होंने इस प्रकार की कोई भी खबर नहीं सुनी है। इस बारे में बताते हुए रणधीर कपूर ने कहा कि मैंने इस बारे में नहीं सुना है, मुझे पता नहीं है, वो कभी ना कभी शादी करेगा लेकिन मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। बाबूराव आप्टे के किरदार से तंग आ गए हैं परेश रावल। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल को देखकर सबसे पहले जहन में आता है उनका बाबूराव का किरदार। जहां एक तरफ हेरा फेरी के फैंस इसकी तीसरी सीरीज के बनने की खबरों को गूगल पर तलाशते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस फ्रेंचाइजी के सबसे अहम किरदार निभाने वाले परेश रावल अब इस किरदार से छुटकारा पाने की बात कर रहे हैं। जी हां, परेश रावल ने द क्वींट को दिए एक इंटरव्यू में बातचीत की। फेमस फ्रेंचाइजी की तीसरी सीरीज के बारे में जब उन्हें पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब कभी भी होता है, एक तो इनोसेंस चाहिए वो नहीं था, कुछ था ही नहीं, गंदगी हो गई। सच तो ये है कि मैं इससे अब छुटकारा चाहता हूँ।
बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रणबीर कपूर एक महिला के गेटअप में नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि रणबीर मेकअप रूम में बैठे हुए हैं और पूरी टीम उन्हें परफेक्ट लुक देने की कोशिश में जुटी हुई है। इस वीडियो को रणबीर कपूर की मेकअप आर्टिस्ट प्रतिशील सिंह डिसूजा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए प्रतिशील ने कैप्शन में लिखा कि एक टीवीसी के लिए रणबीर कपूर को महिला के किरदार में ट्रांसफॉर्म किया गया है।